नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एपी क्लासेस के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये लाइव देख रहे हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की वेबसाइट। जी दोस्तों, मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि दोस्तों आज जो सुबह से जो सीटेट का नोटिफिकेशन में चल रहा है, वो तो आप लोगों को पता ही होगा कि 3 बार नोटिफिकेशन चेंज हुआ है। क्या हुआ है मैं एक संक्षेप में बता दे रहा हूं, और भी प्रूफ दिखाऊंगा कि क्या हुआ है। मैं जो कुछ भी दिखा रहा हूं दोस्तों, लाइव दिखा रहा हूं आप लोगों को। पहली चीज कि सबसे पहले इस मॉर्निंग में जो नोटिफिकेशन आया था, वो आया था आपका ये वाला, जिसमें आपका पहला नोटिफिकेशन जिसमें एलिजिबिलिटी की बात चल रही है। मेनली जो इश्यू आ रहे हैं वो बीएड के ऊपर आ रहे हैं, एलिजिबिलिटी के बारे। तो पहला जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था, उसमें जो हमने आपको पहला वीडियो दिखाया था, उसमें हमने आपको बताया था कि उसमें बीएड एलिजिबल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आपका पहला वाला नोटिफिकेशन है जिसमें नोटिफिकेशन में बीएड कहीं भी एलिजिबल नहीं दिख रहा है आपको। मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी क्वालिफिकेशन के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए, क्लास 1 से 5 के लिए। ये पहला नोटिफिकेशन था जिसमें बीएड को एलिजिबल नहीं किया गया था। उसके कुछ देर बाद 2 से 3 घंटे के अंदर एक और रिवाइज्ड एडिशन आता है, वो ये आता है, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि इसमें ग्रेजुएशन विद 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड को इसमें एलिजिबल माना जाता है। और ये जो इसमें जो स्टार मार्किंग लिखा है, ये वही लिखा है जो उस गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो एनसीटी ने जारी किया था 28 जून 2018 को, सूचना जारी की गई थी। और जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो शुक्रवार को 29 जून 2018 को वो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें क्लियरली मेंशन था, जो कि इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में वही बता रहा हूं, कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा किसको 50% मार्क्स के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन मतलब बीएड को मान किया जाएगा। लेकिन इस प्रकार के अध्यापक को नियुक्ति के रूप में मतलब 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम मतलब ब्रिज कोर्स 2 वर्ष के अंदर पूरा करना होगा। यही इसमें न्यू जो रिवाइज एडिशन जारी किया गया था उसमें लिखा था। अब मैं आपको बता रहा हूं, 3री बार जो चेंज हुआ था उसमें से बीएड को हटा दिया गया। इस समय रात के 9:46 हो रहा है दोस्तों, मतलब रात के लगभग 10 बज रहा है, और हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल लाइव की सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी की वेबसाइट पे क्या है। ये देख रहे हैं आप, सब कुछ ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब ये सब कुछ लाइव है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ना ही ये कोई एडिटेड वीडियो है। यहां पर मैं यहां पे क्लिक करने वाला हूं सीटेट 2018 इंफॉर्मेशन बुलेटिन 1/8/2018 पे। जब मैं यहां पे क्लिक कर रहा हूं दोस्तों, तो अभी का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है रात के लगभग 10 बजे का, वो आपको दिखाई देगा कि असलियत में सच्चाई क्या है और क्या हुआ है, 3री बार नोटिफिकेशन क्या चेंज हुआ है या 4थी बार हुआ, जितनी बार भी हुआ है, क्योंकि आप देखते हैं कि इसमें लाइव में क्या दिख रहा है। ये आपका खुल गया है बिल्कुल लाइव अभी का, और इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इसमें नोटिफिकेशन क्या है। चलते हैं वहीं पे, इसमें कंटेंट नंबर 6 पे, जहां पे एलिजिबिलिटी बात कर रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर एलिजिबिलिटी की बात करूं, जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए, एलिजिबिलिटी अगर बात कर रहा हूं, तो यहां से देखिए आपको वही सब जो पहला वाला नोटिफिकेशन था वही जारी किया गया है। एक मिनट मैं दिखा रहा हूं आपको एलिजिबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आपका एलिजिबिलिटी, और यहां पर आपका वही नोटिफिकेशन है जो पहली बार जारी किया गया था, मतलब इसमें से बीएड को हटा दिया गया है। अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जो अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं, वो यहां से बीएड को हटा दिया गया है। अब इसमें मैं बात कर रहा हूं कि इसमें क्या नया नोटिफिकेशन जारी होने की कोई संभावना है, क्या 1 साल का जो बीएड है जिसको सेकेंड रिविजन में इन्होंने लागू किया था, बीएड को अप्लाई किया था, वो लागू। सर, जो मेन बात है दोस्तों इस नोटिफिकेशन की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके जब नीचे आप देखेंगे, जब आप 6 to 8 की बात करेंगे, तो नीचे जब आप देखेंगे, तो इसमें यहां पे सीधा सीधा मेंशन है कि एनी कैंडिडेट हैविंग क्वालिफाइड बीएड प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीटी इज एलिजिबल टू अपियर इन टेट सीटेट। मोर ओवर एज पर द एग्जिस्टिंग टीईटी गाइडलाइन सर्कुलेटेड बाय एनसीटी लेटर डेटेड 11/2/2011, मतलब
ये जो 11/2/2011 के जो एनसीटी का लेटर है उसके हिसाब से जो गाइडलाइन जारी की गई है, ये नोटिफिकेशन उसके बाद उसके हिसाब से जारी किया गया है। यही जो रिवाइज नोटिफिकेशन था, मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें रिवाइज नोटिफिकेशन जो था उसमें से भी यही चीज थी। ये जो नोटिफिकेशन जो 11/2/2011 का था, लेकिन इसमें ये अलाइज किया था, ये यहां पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा था, शायद इसी वजह से इसको हटाया गया है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है दोस्तों कि 1 या 2 दिन में इसको रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि जो 29 जून को जो एनसीटी ने भारत के राजपत्र मतलब गैजेट ऑफ इंडिया में जो नोटिफिकेशन जारी किया है, सभी लोगों के पास वो होगा नोटिफिकेशन, तो वो उसके हिसाब से एनटीस को, सीटेट को, बीएड को अप्लाई, क्योंकि अभी हाल ही में आसाम का जो टेट जो आया था उसमें बीएड को उन्होंने अलाउ किया था, एलिजिबल माना था आसाम के टेट के लिए, उन्होंने उसमें जो नोटिफिकेशन था ए टेट में उसमें उन्होंने माना था। चाहे तो आप लोग वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई बात बीएड की, मतलब आप लोग जो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो लोग परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है आज सुबह से लेके अभी तक आप लोगों को बहुत ही असमंजस है, क्योंकि एक तरह सा एक माहौल सा चल रहा था, पता नहीं ऐसा लगा कि क्या हो रहा है। सुबह एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें बीएड एलिजिबल किया जा नहीं किया जाता है, उसका दूसरा रिवाइज नोटिफिकेशन आता है जिसमें बीएड को एलिजिबल किया जाता है, तीसरा नोटिफिकेशन उसमें से फिर हटा दिया जाता है। ऐसा लग रहा था कि कोई एग्जाम का नोटिफिकेशन है कि या पता नहीं क्या चल रहा है। तो दोस्तों धैर्य रखिए, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें जब एक बार आपको एलिजिबल किया गया है तो फिर वो भी प्रिंट आउट होगा लोगों के पास, पहला वाला भी होगा, गैजेट होगा। तो दोस्तों मेरा तो यही मानना है, पर्सनली मैं यही कहूंगा कि अभी 1 या 2 दिन का आप लोग इंतजार कीजिए, नोटिफिकेशन जरूर चेंज होगा, कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, आप अपनी तैयारी अवश्य शुरू कर दें सीटेट के लिए, ये बहुत जरूरी, इस असमंजस की स्थिति में कहीं आप लोग तैयारी ना छोड़ दें, बस दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा। और इसी के साथ मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि एग्जाम बीएड वालों को जरूर अलाउ किया जाएगा, क्योंकि ये नोटिफिकेशन एनसीईटी के द्वारा गैजेट ऑफ इंडिया पे जारी हो चुका है 29 जून 2018 को, तो ये बिल्कुल सच है और ये नोटिफिकेशन जारी होगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें और आप लोग जो है अपने एग्जाम की तैयारी करें, क्योंकि नोटिफिकेशन आए और उसको 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, लेकिन आपके 2 या 3 दिन लॉस हो जाएंगे जो आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाएंगे इस टेंशन में। और भी दोस्तों जो कोई भी अपडेट होगा हम आपको अपने वीडियो के माध्यम से अवश्य सूचित करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।